हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और एकदम यम्मी सी रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप इसे एक बार अपने घर पे बना लेंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है ये। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कढ़ाई, और जैसे ही हमारा कढ़ाई हल्का गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-4 लौंग। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तो 2-4 छोटी इलायची और 2-4 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। इन सबको हमें हल्का हल्का रोस्ट कर देना है जब तक इन मसालों में से हल्की सी भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए। और जैसे ही मसाले हल्के रोस्ट हो जाएंगे इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज का कटे हुए प्याज को। प्याज को डाल के भी हमें हल्का हल्का ही रोस्ट करना है, इसे ज़्यादा लाल नहीं भूनना है। जैसे ये हल्का सा प्याज हमारा रोस्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 8-10 कलियाँ लहसुन की, जिसे मैंने छील लिया है। इसके साथ इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम या ज़्यादा। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक के 1 इंच के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। फिर 8-10 काजू मैं इसमें डालूंगी। इन सबको डालकर हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये हमारा प्याज जैसे ही हल्का सा रोस्ट हो गया अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज का कटे हुए टमाटर को। इन सबको डालकर हमें हल्का हल्का इन्हें भून लेना है। ये जैसे ही हल्का सा टमाटर हमारा रोस्ट हो जाएगा इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी पालक की थोड़ी सी पत्तियाँ और थोड़े से धनिया पत्ती। इन सबको डाल के भी हमें हल्का सा भून लेना है। और इसे अब इस मसालों को हमें हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ये ठंडा हो जाए मिक्सी के जार में डालकर इसका एकदम महीन सा पेस्ट बना के हमें रेडी कर देना है। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हल्का सा डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद जब हल्का सा हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसमें 1 चम्मच डाल देंगे जीरा, गोटा जीरा। और इस जीरे को हल्का सा कलछी से चलाते हुए हम हल्का सा रोस्ट कर देना है जिससे इस जीरे में अच्छी सी खुशबू आ जाए। जैसे ही जीरा मेरा हल्का सा भून जाएगा हमने जो मिक्सी के जार में मसाला पीस के रेडी किया है ना उसे डाल देंगे और इसे चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। ये हल्का सा रोस्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो मैं डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसालों को हमें रोस्ट करने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, कम या ज़्यादा, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। नमक डाल के भी मसाले को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स होके हल्का सा सीज जाए। जैसे ही हमारा पानी डालने के बाद मसाले में से बॉयल आने लगेगा और ये मसाले अच्छी तरह सीज जाएंगे हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पनीर। और पनीर डालकर हमें इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। फिर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने पनीर की सब्जी को बाउल में निकाल लिया है और ये कितनी टेस्टी, स्वादिष्ट, एकदम यम्मी सी सब्जी बन के रेडी हो गई है। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा क्रीम। गरम गरम में ही हम क्रीम डाल देंगे जिससे इसका टेस्ट और भी दोगुना बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हम हल्का सा पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे जिससे हमारी सब्जी देखने में और ही सुंदर और टेम्पटिंग लगेगी और इसे खाने में तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।